सो हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक और कमाल की वीडियो में। तो आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कोई व्लॉग नहीं होने वाला, वो होने वाला है मेरे न्यू हेलमेट पर, जो कि है स्टील बर्ड का SBH-17 टर्मिनेटर, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो हम उसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको बताता हूँ बॉक्स में क्या क्या दिया है। तो चलो मैं अनबॉक्स करता हूँ उसको। तो गाइज, ऐसे कुछ बॉक्स में हमारा हेलमेट आया है जो कि है स्टील बर्ड का, जैसे कि मैंने आपको बताया था SBH-17 टर्मिनेटर। तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा बिल। तो ये रहा गाइज हमारा हेलमेट। गाइज, बॉक्स के अंदर आपको एक वाइजर मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने स्मोक वाइजर ऑर्डर किया था, तो ये रहा मेरा स्मोक वाइजर। और हेयर इज आर हेलमेट गाइज। और ऐसे कुछ सॉफ्ट पन्नी में आया है ताकि ये थोड़ा सेफ रहे टूटे वूटे ना। तो अब हम हेलमेट को बाहर निकालेंगे। तो गाइज, बॉक्स के अंदर मुझे दो वाइजर मिले हैं, जो कि एक क्लियर वाइजर है जो कि ऑलरेडी हेलमेट में इंस्टॉल्ड आया है, और दूसरा जो हमारा मैंने बताया था स्मोक वाइजर, वो आया है। तो गाइज, मैंने स्मोक वाइजर के साथ हेलमेट ऑर्डर किया था, तो मुझे दो वाइजर आए हैं बॉक्स में। एक तो ये जो क्लियर वाइजर है वो लगा हुआ है, और ये एक ब्लैक वाइजर था स्मोक वाइजर, वो इसमें बॉक्स में रखा हुआ है। और मैं आपको हेलमेट के बारे में कुछ बता दूँ, तो हेलमेट में आपको ऊपर एक वेंट मिल जाएगा, और यहाँ पर दो वेंट मिल जाएंगे जो कि एयर पास होने के लिए, अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, जैसे 100 के मतलब अब चलाते हैं, या 60V के ऊपर भी चलाते हैं ज़्यादा अगर स्पीडिंग करते हैं, तो आपके लिए ये काम आएगा। बाकी हेलमेट्स आपने देखे होंगे, वो जो नॉर्मल गोल से आते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो अगर जैसे आप ओवर स्पीड करते हैं तो वो हेलमेट उड़ने लगते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। और इसमें एक और भी वेंट दिया है जो कि सामने दिया है हमारे ऑक्सीजन के लिए, और ताकि अपनी वॉइस आ सके बाहर शायद, इसलिए। तो यहाँ ऐसे कुछ दो तीन वेंट दिए हुए हैं, टोटल 4 वेंट्स हैं इसमें। और यहाँ पर आपको साइड में एक बटन दिया हुआ है जिससे आप वाइजर को ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको जैसे वाइजर चेंज करना है, तो यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है आपको, इसके सामने ये वाइजर का एक यहाँ पर लाइन बना हुआ है। तो ऐसे कुछ लाइन में आने के बाद ये निकल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप इसमें दूसरा वाइजर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो अगर मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊँ, तो ये मुझे समथिंग पड़ा है 1850 का, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो मैं आपको इसका बाइंग लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो हेलमेट के अंदर अगर देखें, तो काफ़ी सॉफ्ट फोम लगा हुआ है इसमें, जिससे आपको कम्फर्ट रहेगा अगर आप लॉन्ग ड्राइव भी करेंगे इस हेलमेट को यूज़ करके। और बेल्ट वगैरह भी इसका जो है अच्छी क्वालिटी का है। मैं आपको इसे पहन कर दिखाता हूँ ये मुझ पर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर साइज चार्ट भी दिया है, जिस भी ऐप से आप ऑर्डर करेंगे आपको उसमें साइज चार्ट मिल जाएगा। तो आप जो इंच टेप आता है उससे मीजर करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने अपने लिए एम साइज ऑर्डर करा था, उसमें दो साइज थे एम और एल। आप अपने अकॉर्डिंग उसको मीजर करके ऑर्डर कर सकते हैं। आपको हेलमेट लगा कर दिखाता हूँ कैसा क्या लुक आ रहा है हेलमेट का। आपको पहले पास से चेक करा देता हूँ। ऐसा कुछ S3 लिखा हुआ है, और हम बोल सकते हैं कि ये रोबोट एडिशन है, यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे करके आपका वाइजर लॉक भी हो जाएगा। साइड में यहाँ पर बटन दिया हुआ है जिससे आप वाइजर को ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको पहन के दिखाता हूँ कैसा क्या लुक दे रही है। तो ऐसा कुछ मेरा हेलमेट दिख रहा है, आप देख सकते हैं बाहर से। तो साइज तो इसका ठीक है, मतलब बढ़िया है साइज भी। और अगर आप चाहें तो इसमें अपना कैमरा वगैरह भी माउंट कर सकते हैं। वैसे इसमें माउंट दिया नहीं है, पर वो जो बेल्ट वाला माउंट आता है वो आप ऑर्डर करके इस पर माउंट कर सकते हैं। तो मैंने इसका ऑरेंज कलर इसलिए बुलाया है क्योंकि जो मेरी बेबी बीस्ट है, आपने देखी होगी वीडियोज में, वो भी ऑरेंज कलर की है। साथ में अच्छा लुक देगा ऑरेंज, तो मैंने उसलिए इसी को भी ऑरेंज ऑर्डर कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बेबी बीस्ट के साथ कैसा लुक दे रहा है। और ये रही हमारी बेबी बीस्ट। तो ये जो ऑरेंज है थोड़ा सा डार्क लग रहा है मुझे इसके कंपैरिजन। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ साथ में कैसे लग रहे हैं हेलमेट पहन के।
तो गाइस जो हेलमेट है वो मेरी स्कूटी में भी एकदम फिक्स आ गया है, बिल्कुल स्पेस नहीं बचा है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और देखना ना भूले कीडी के सब ब्लॉग। मिलते हैं सवाल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।